वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, तुम असें बुधाइंदा तो अकेलती जो एम पी एस एम एन एस या अकेलती अगुवान अकेलत के मामलों से सदन में किरदार नजर नो अच्छे एम पी एस चूंडजन था एम एन एस चूंडजन था इवन बन पोस्टों से भी पहुंचन था इवन पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद हैं तार्टी में मिनॉरिटी जहाँ हूँ तो उनको रोल नजर नो अचे अकेलत के हक के लिए रड़ी दाऊँ कुकू तो कन पर प्रैक्टिकली उनको रोल उन गुड नजर नो अचे। हाँ, बदकिस्मत यह रूफ साहब, असल में अकेलती जो अस नुमाइंदा चूंडा वन डायरेक्ट वोट के जरिए को अचन उ पार्टी सिलेक्ट कन थी इलेक्ट को कन सिलेक्ट कन थी यकीन हु सिर्फ पार्टी के अगर जवाबदार होजन था पार्टी जो उनके पॉलिसी दिए थी उन मुताबिक वो गाल वक्त तुम ऐसा हूँ तो पीटीआई या जो एम एन ए या एम पी एन उ मतलब पीटीआई की हुकूमत जो असा उन्नी हकन की गाल कन था मतलब पीटीआई जो एजेंडा है उन तहत वरी पीपल्स पार्टी सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी है तो जो पीपल्स पार्टी जहाँ एम पी एम एन ए सिंध में वरी उ पीपल्स पार्टी तेज सारा कद मिलता असा सा बदकिस्मती है तो असा मू सदा ही मुतालबो कन था तो भाई जो असा वोट जो हक दिनों वाले तो जी असा पाँ नुमाइंदा पा चूंडूँ यो मसलो भल नो थे हाँ अचूँ तको हे सिस्टम है जैसे तहत चूंडिया वन उन में तकरीबन जो मू हुजन मुख्तलिफ मानून जहाँ मू हुजन के को कें मू को फलाने पीर जो मू को फलाने मू को पैसा दई अचे तो ये मुख्तलिफ तरीक सियासी पार्टी इन टिकट दियन थी अगर मेरिट से सीटू दिनों वन तो आउं समझा तो एक नुमाइंद तकरीबन मेजॉरिटी में 80% नुमाइंदा जे भी ये सब तुम उनके ब्रीफ केस भी चई सको था मेरिट का हटी कर भी चई सको था तो अड़ी सूरत हाल में तुम समझो था ये वे अकेलत के हक की तहफुज कंदा या वो वही का गाल कंदा सो यो आम समय पॉसिबल को पर जड़े नमूने से थोड़ा घणो वरी भी कुछ नुमाइंदा जे पाँचों पाँच किरदार अदा कन था माना कुछ न कुछ रोल अदा कन था बाकी घणा ही जो इन वक्त है वहाँ पार्टी के एजेंडा तहत हले थी इन बदकिस्मत इन वजह से अकेलत जहाँ मसला रहा पाया तुम ऐसो अकेलत बिल जो कौमी असेंबली में थो वो रिजेक्ट थो पीटीआई हुकूमत में जो तमाम अफसोस जो है जैसे मजबत भी असा कई है अस वरी भी मुतालबो क्यों था वफाक का तो असो बिल पास करें अकेलत मुल्क के अंदर जो रहन था उन्होंने तहफुज करें छो जो यो असो कानूनी आईनी हक है जैसे ये नीन तो यकीन इतने जो अकेलत जो ढा परेशान हूँ सजो ढी उन्हें मथा एक किस्म की तलवार टंगल हूँ उन वजह से जो पाँ पान के गैर महसूस महफूज समझा जैसे पाकिस्तान जहा इदारा जैसे चाहन था मुल्क में रहड़ मुख्तलिफ मजहब के मू प्यार मोहब्बत से रहन उनके सुकून से रहन तो उन्होंने आईनी कानूनी या बेन तरीकन से समाजी तौर से सियासी तौर से उनके हक दियणा पवंदा आउं समझा तो यो ही वधीक हल है दादा। पूरे मुल्क का मसला अकेलती पर मेजॉरिटी में अक्सरियत में मानू आए ने उनन सा भी अमन अमान का मसला है नगवा फरूम कतल धाड़ा वो तो जगह उनन सा मसला है ना। दिसो दिसो रऊफ साहब, उनन जो फर्क है ऐसो त असो जो भी कमजोर मू है उन कानून उन प्रॉब्लम यहाँ गाल बिल्कुल आउं समझा तो तुम्हारी इन में गाल एग्री है पर बया जो मजहबी मामला उन्हें में भी असा प्रॉब्लम है उहे जेके अकेलतन जा बिल जी आऊं तां सां जेका गाल कया पियो पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान ॿिन्ही मुल्क ॾिसो हाणे हिंदुस्तान सां जेकर तव्हां पाकिस्तान की गाल कंदा त पोइ इहो अजाई गाल थी वेंदी ऐं हुनखे मुंहिंजी पहिरीं गाल असां पाकिस्तान जा शहरी ॾिसो पाकिस्तान जा असां शहरी आहियूं असा पाकिस्तान जहा शहरी अस उन हक की गाल क्यों था पाकिस्तान में रहूँ था अस उन गाल कदी इंडिया में छा तो थिए इंडिया में कड़े किस्म जहा कानून उ गलत या सही है वो उन मुल्क जहाँ मू जन मजम्मत कंदा या उन मकसद कंदा हाँ अस मजम्मत जरूर कंदी जैसे उत्त को गलत अमल थे तो असो भी यो फर्ज है तो अस उन गाल करूँ पर पाकिस्तान में जो मसला असा उन असा आवाज़ बुलंद करो पवो इो ही आउं समझा बेहतर तरीको है। दादा तुम समझो परदे में भी रहो पा तो उत टूरिज्म ऐसो पिंध जो टूरिज्म भी ऐसो पा तुम थर जहा दौरा क्या घोटकी तीन बदीन तीन बेन इलाक में वनो पा सिंध जो टूरिज्म के लिए गाल पे कई उन टूरिज्म के प्रमोट कर सके तो क्या प्रमोट कर सके तो साईं मां तव्हांखे ॿुधायां जंहिं मुल्क ओमान में मस्कत में औरा थो उन पूरे मुल्क में टूरिज़म जेको बि आहे उहो नेचुरल आहे जहिड़े नमूने पाकिस्तान जे पंहिंजे सिंध में आहे। मिसाल जी ॻाल्हि आहे दुबई तव्हां वेंदा आर्टिफिशियल तव्हांखे टूरिज़म मिलंदो पर हिते सिंध में तव्हांखे कारूंजर खां वठी नंगर पार्कर खां मिठी खां वठी जेकॾहिं रानी कोट खां वठी जेकॾहिं तव्हां सिंध जो चपो चपो ॾिसंदा त असांजो किंजर खां वठी जेकॾहिं तव्हां सभु शयूं ॾिसंदा त तव्हांखे टूरिज़म तमामु बहितरीन मिलंदो। बदकिस्मती हिकिड़ी इहा थी आहे असां वटि हिकिड़ो त असां वटि अॻु में अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु रहंदी आहे उन वजह सां ऐं गॾो गॾु जेके कम्युनिकेशन जेके असीं रोड रस्ता चऊं उहे बहितर न हुजण जी वजह सां कुझु प्रॉब्लम आहे पर हाणे इहा ज़रूरु ॻाल्हि आऊं मञंदुसि
त रोड रस्ता कुछ बेहतर थे आइन त हाने सिर्फ पीपल्स पार्टी मनो थो तो कम कयो वास्ते दिसो पीपल्स पार्टी को मुशरफ जे दौर का वाडी अरबा इब्राहिम थर में तमाम घना रोड ठाराया हुआ हाने उनन रोडन के मेंटेन कयो पीपल्स पार्टी ने गाल जाऊ एप्रिशिएट कया तो की जनाव त पीपल्स पार्टी सिंध भींग कर छडी न सिंध भींग कर छडी ब्या मामला बन सिर्फ रोड रस्ता ना है न सिर्फ ब्या समय मसला है मिठो पानी जो मसलो है ए पंजो हेल्थ जो मसलो है उन का पो मानु दे रोजगार जो मसलो है ब्या तमाम घना मसला है नंबर पान गालायो ता टूरिज्म दे पेरी हाने तवा दिसो मिसाल जी गाल हाने चुंदा पान एकरो तो कम्युनिकेशन हल थी ने मसलो बियो हल थी पियो बियो पंजो अमन अमान हाने टियो चू जे जगह ते टूरिस्ट स्पॉट है उते फैसिलिटीज केडी है उए अस बदकिस्मती अस यो प्रॉब्लम थे पो जे शूँ इतने ठहन थी उन्होंने मेंटेन नो वे तुम हिंसर वो कें गाँव वो या कारूंजर से शायू हुई तमाम घो खर्च भी थो पर मेंटेन को सो आऊँ समझो सिंध गवर्नमेंट जाकई सीरियस हुए तो सिंध में तमाम वो टूरिज्म टूरिज्म जहाँ टे मुख्तलिफ वे एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हों बो डोमेस्टिक हों को सूबन के विच में इन है टो है लोकल टूरिस्ट भला अस चलो डोमेस्टिक के भी असा हिंसर खूँ अस इंटरनेशनल के भी खूँ अस भला लोकल जो टूरिस्ट है कराची जो हैदराबाद जो मुख्तलिफ जगह जो जो शहर जो मानू है वो असाजे सिंध जो जो बहराड़ी जो इलाको है वो जैसे घुमे उत उन पैकेजेस हुजन उन बाकायदे प्लानिंग हुए तो आऊँ समझा तो सिंध में तमाम वो टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं और वो लेवल से कम थी सके तो दिलीप कुमार दोलतानी साहब तीन मेहरबानी कचहरी के नाते डॉक्टर दिलीप कुमार दोलतानी साहब की गाल बुझ यकीन सियासी समाजी मज़हबी अकलती मामलों के हवा से दिलचस्प गई मेजबान रऊफ चांडवे।